तो देखिए बिहार के भागलपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां भागलपुर पुलिस लाइन के सरकारी क्वार्टर में 5 शव मिले हैं। क्वार्टर नंबर 38 से एक महिला कांस्टेबल, उसके पति, 2 बच्चों और उसकी मां की लाश मिली है। कांस्टेबल के पति पंकज ने पूरे परिवार की पहले हत्या की और फिर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी के अवैध संबंध के शक में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। पति ने परिवार के 4 लोगों का गला रेत दिया, जबकि खुद फंदे से लटक कर जान दे दी। नीतू SSP कार्यालय में तैनात थी और पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें पंकज ने परिवार के 4 लोगों की हत्या की बात कबूल की है। और घटना की जानकारी मिलते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुवेंदु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सुवेंदु, देखिए बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है और बहुत बड़ी बात है। किस तरीके से एक महिला कांस्टेबल की जो है उसके पति ने हत्या कर दी, और सिर्फ उसके ही नहीं उसके परिवार के 4 लोगों को जो है मौत के घाट उतारा है, पत्नी बच्चे सभी को, क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल अवंतिका, भागलपुर से जो ये दिल दहलाने वाली घटना है सामने निकल कर आ रही है, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से जो पुलिस लाइन है C38, जो आवास संख्या C38 है, उससे 5 टब बरामद किए गए हैं, जिसमें नीतू जो कि SSP कार्यालय में कार्यरत थी और 2 बच्चे, जबकि जो कातिल है, जो उसका पति है पंकज, वो फंदे से लटकता हुआ नजर आया है। और जो प्रथम दृश्य से जो अभी तक जो बातें सामने आई है कि पंकज जो था शकी टाइप का व्यक्ति था, जिस तरह से जो उसने नोट में भी अपने सुसाइड नोट में भी लिखा है, उसने साफ तौर पर कहा है कि उसको शक था कि उसकी पत्नी नीतू का किसी से अवैध संबंध है। इसको लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। अभी तक जितने भी प्रशासनिक जितने भी पदाधिकारी, चाहे DIG हो, SSP हो, CTSP हो, DSP हो, DSP लाइन हो, सारे लोग जो है यहाँ पुलिस लाइन में आ चुके हैं। और जो पुलिस लाइन का जो मेन गेट है उसको बंद कर दिया गया है, किसी भी आम जनों के आने जाने के लिए उस पर प्रवेश को वर्जित कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी है, 5 लोगों की हत्या बहुत बड़ी मानी जाएगी, और कह सकते हैं कि एक तरह से दरिंदगी, जिस तरह से छोटे मासूम बच्चों को भी जो है कत्लेआम कर दिया गया, उनके गले काट दिए गए हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो घटना घटी है, कहीं ना कहीं जो है जो शंका जाहिर की जा रही थी कि पति और पत्नी में लगातार जो है झगड़े होते थे, लड़ाई होते थे, हालांकि पड़ोसियों ने इसकी पुष्टि की है, लगातार 5-6 दिनों से अनबन चल रही थी और रोज लड़ाई झगड़े हो रहे थे, और उसके बाद आज इस घटना को अंजाम दिया गया है। और आपने देखा ही कि किस तरीके से जो है घटना को अंजाम दिया गया है। 5 लोगों की जो 5 लोगों का जो शव है वो बरामद हुआ है। खुद जो हैवानियत कह सकते कि हैवानियत की हद जो है पंकज ने पार कर दी है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लगातार अनबन जो है वो चल रहा था, और पड़ोसियों ने भी देखा था कि अनबन चल रहा था, और काफी दिनों से जो है ये विवाद जो है परिवार में चलता आ रहा था, तो क्या कुछ जो मृतिका नीतू कुमारी है उसने कभी शिकायत की थी पुलिस स्टेशन में कि उनके घर में ये सब विवाद चल रहा है, इसे लेकर कोई भी भनक किसी को थी? देखिए DIG विवेकानंद का बयान आया है अवंतिका, DIG ने कहा कि 2016 में जो है पंकज और नीतू की है वो शादी हुई थी, प्रेम विवाह हुआ था, उनसे 2 बच्चे थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों का प्रेम विवाह हुआ था, और उसके बाद कहीं ना कहीं पंकज को ये शक था कि उसकी दीदी का जो है अफेयर किसी और से चल रहा था, और उसी शक में जो है 4 लोगों को उसने मौत के घाट उतारा, और अंत में सुसाइड नोट जो है उसने लिखकर खुद भी वो फांसी चढ़ गया, खुद भी फंदे से लटक गया। तो कह सकते हैं कि ये सनकी टाइप की बात हो सकती है, जिस तरह से कहते हैं भ्रम जो था सनकी टाइप के, ये जो घटनाएं घटित होती है वो सनकी टाइप के लोग करते हैं। और जो पड़ोसियों से जानकारी मिली है कि इसको लेकर लगातार जो है दोनों में अनबन चला करती थी, इधर 5 दिनों से लगातार जो है दोनों में लड़ाई भी हो रही थी, जो पड़ोसी जो है साफ साफ सुन पा रहे थे, क्योंकि सब लोगों का वहां पुलिस लाइन में मकान जो है सटा हुआ है, तो आवाज सब लोगों को सुनाई दे रही थी। लेकिन चूंकि पति पत्नी का मामला था इसलिए कोई बीच बचाव करने नहीं जा रहे थे, या नीतू ने अभी तक कोई भी शिकायत जो है अपने वरीय पदाधिकारी को नहीं दी थी। नीतू SSP ऑफिस में कार्यरत थी, वो चाहती तो दे सकती थी, लेकिन चूंकि घरेलू मामला था वो भी समझ रही थी कि घरेलू मामला है, और घरेलू मामला में इस तरह की कवायद करना, इस तरह की शुरुआत करना, पहल करना, कहीं ना कहीं उसके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए जरूर कह सकते हैं कसुमय या दुखदायक।
जी बिल्कुल, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि अवैध संबंध की बात उसके पति ने बताई थी और उसके वजह से ही हत्या कर दी गई, तो क्या लगता है कि इसकी शिकायत भी जो है वो नीतू ने नहीं कराई कहीं? और अगर इसकी शिकायत नहीं कराई और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उसके पति ने अपनी ही माँ की अगर देखा जाए तो हत्या कर दी, अपने बच्चों की हत्या कर दी, तो क्या लगता है इसमें कहीं ना कहीं क्या सच्चाई होने की भी उम्मीद है? क्या नीतू का सच में किसी से अवैध संबंध हो सकता है? क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है और इस घटना में उन्होंने सिर्फ नीतू की ही हत्या नहीं की, इसके साथ ही अपने बच्चों और की भी हत्या कर दी है उसने। देखिए, ऐसी घटना को अंजाम कोई सनकी टाइप का ही व्यक्ति दे सकता है, जो कि ना अपने बच्चों को समझे, ना अपनी मां को समझे, ना अपनी पत्नी को समझे। अगर मान लीजिए अवंतिका कि अगर उसकी पत्नी जो नीतू है किसी से अफेयर चल रहा था, तो उसमें बच्चे की क्या गलती थी? जो मासूम दोनों बच्चे थे, उसकी माँ थी, पंकज की जो माँ थी, उसकी क्या गलती थी? तो एक तरह से कह सकते हैं कि उस पर सनक सवार था और उसी सनक में इन चार घटनाओं को, चार हत्याओं को उसने अंजाम दिया। हालांकि अभी तक जो है ये नहीं स्पष्ट हो पाया है कि वाकई नीतू का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन जिस तरह से आज घटना को पुलिस लाइन में, वो भी पुलिस लाइन में इस घटना को अंजाम दिया गया, C38 जो मकान संख्या है C38 में इस घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं वंशी पाने की सारी हदें जो है पार कर दी पंकज ने और अंत में खुद को भी जो है फांसी पे लटका लिया उसने। जी बिल्कुल, देखिए एक साथ पांच लोगों की जो है हत्या है, पहले तो चार लोगों की हत्या कर दी गई है, तो क्या आस पड़ोस के लोगों को कुछ भनक नहीं लगी? क्योंकि एक एक करके ही उसने इस घटना को अंजाम दिया होगा, तो क्या कोई चीख पुकार नहीं हुई और पड़ोसी को क्या भनक नहीं लगी इस चीज की? नहीं, जो बातें सामने निकल कर आ रही है अवंतिका की, किसी भी पड़ोसी को कोई भनक नहीं लगी। हालांकि लड़ाई झगड़े जब होते थे तो उसकी आवाज स्पष्ट रूप से जाती थी, लेकिन शायद जो है पंकज ने कोई प्लान कर रखा होगा, प्लान के तहत इस सारी घटनाओं को अंजाम दिया है और एक एक करके, ऐसा नहीं है कि एक ही समय में सबको मारा, एक एक करके सबको मौत के घाट उतारा और अंत में खुद भी फांसी पर झूल गया। इस तरह कह सकते हैं कि उसके मन में ये पहले से ही चल रहा होगा, ऐसा लगता है कि उसके मन में पहले से चल रहा होगा कि जो घटना है, जो वारदात है, उसको कैसे अंजाम दिया जाए और अंत में आकर आज उसने इस घटना को अंजाम दिया है। DIG जो विवेकानंद है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतू के तरफ से कोई भी ऐसी घटना लेके कोई भी शिकायत नहीं आई थी। इन दोनों का लव मैरिज हुआ था, उन दोनों की शादी जो है लव मैरिज हुई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं ये घटना जो है घटित होती है भागलपुर के पुलिस लाइन में। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी सुनकर बिल्कुल सन्न रह गए, क्योंकि घर की लड़ाई में इस तरह की बात होना बहुत कम देखी जाती है, एकाध मौकों पर देखी जाती है, लेकिन जिस तरह से हिंसक प्रवृत्ति, जिस तरह से अपने बच्चों को, अपनी माँ को, अपनी पत्नी को पंकज ने मारा है, कहीं ना कह सकते हैं एक तरह से वैशी पना है, एक तरफ से आदमखोर पना है। जी, सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, सुसाइड नोट में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है? क्योंकि खबरें जो सूचनाएं आ रही थी उसमें पहली सूचना तो ये थी कि नीतू ने ही अपने बच्चों और सास की जो है हत्या की और उसे देखकर उसके पति ने उसकी हत्या कर दी, लेकिन बाद में ये बातें सामने आई है कि उसके पति ने ही उनके उसके बच्चों और पत्नी सबकी हत्या की है। तो सुसाइड नोट जो निकल कर आया है उसमें क्या कुछ लिखकर सामने आया गया है? देखिए, सुसाइड नोट में जो अभी तक बातें सामने आई है कि जो आरोपी है पंकज, उसने खुद ही कबूल किया है, सुसाइड नोट में लिखा है कि मुझे शक था कि मेरी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था, लगातार इस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था, लगातार इस बात को लेकर अनबन हो रही थी और आखिर में जब मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैंने अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपनी माँ का जो है कत्ल कर दिया। देखिए, एक तरह से कह सकते हैं, एक तरह से कि फिल्मी घटना की तरह, जैसे कि फिल्में, हॉरर फिल्मों में देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति हत्या करने के लिए जाता है तो बीच में कोई सबूत हाथ लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है वंशिका कि अगर वो नीतू की हत्या करने के लिए गए होंगे तो उसके बाद कई बच्चों ने या उनकी माँ ने देख लिया होगा, तो एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया गया और पुलिस के डर से अंतिम, चूंकि वो पुलिस लाइन में वो क्वार्टर था C38 और पुलिस लाइन में जो क्वार्टर था, पुलिस के डर से अंत में पंकज ने बजाते एक सुसाइड नोट लिखा और सुसाइड नोट लिखने के बाद उसने कबूलनामा किया है कि हाँ, मैंने अपनी पत्नी नीतू को मारा, अपने बच्चों को मारा, अपनी माँ को मारा और उसके बाद खुद वो फांसी के फंदे पर लटक जाता है। तो ये देखने वाली बात है कि वाकई क्या ऐसी घटना घटी थी, क्या वाकई ऐसा कोई वाक्य था।
जी बिल्कुल, आपकी आवाज नहीं आ रही रमन जी। बिल्कुल, तो जिस तरीके से क्या नीतू के जो परिवार वाले हैं, नीतू के परिजन वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने क्या कुछ पुलिस को कुछ सफाई दी है या कुछ आरोप जो है उसके पति पर लगाई है, क्या उनके परिजन अभी तक पहुंच पाए हैं वहां पर? देखिए अवंतिका, अभी तक नीतू के कोई भी परिजन वहां पर पहुंचे नहीं है। जैसे ही वो पहुंचते हैं हम आगे का अपडेट देंगे, लेकिन जरूर नीतू के परिजन जब पहुंचेंगे तो जरूर जो है आगे की कार्रवाई जो है संपन्न होगी। आखिर जो पुलिस है जो घटना के जो है तह तक जाएगी और पता लगाने की कोशिश करेगी। हालांकि दोनों के, नीतू के और पंकज के दोनों के जो मोबाइल फोन है वो पुलिस ने अपने पास रख लिए हैं। अब उससे आगे के घटनाक्रम का पता चलेगा कि आखिर वाकई अगर नीतू को अगर पंकज ने मारा तो वाकई क्या उसका अफेयर किसी के साथ चल रहा था और किस व्यक्ति के साथ चल रहा था, आखिर किस व्यवस्था में आकर पंकज ने जो है नीतू की हत्या की, अपने बच्चों की हत्या की, अपनी माँ की हत्या की, ये सारे पहलुओं पर जो है पुलिस नजर रखेगी। हालांकि अभी कोई भी नीतू के परिजन जो है अभी तक नहीं आए। अब देखना ये होगा कि आगे जब उनके परिजन आते हैं पुलिस लाइन में तो आगे की स्थिति क्या बनती है। जी बिल्कुल, आपने जिस तरीके से बताया कि पुलिस लाइन में आना जाना जो है लोगों का बंद कर दिया गया है और पुलिस जो है लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है, तो क्या पुलिस की तरफ से क्या कुछ बुलाया गया, कितना जल्दी इस मामले का जो है उद्भेदन वो कर पाएंगे? देखिए आज की ये घटना है और पुलिस को थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि अभी मोबाइल फोन आए हैं, सारे डाटा पुलिस निकालेगी, आखिर जो जो अननोन नंबर होंगे जिससे बातें होती थी या पंकज ने किस तरीके से, क्योंकि पंकज ने जब सुसाइड नोट छोड़ा है तो कुछ ना कुछ उस मोबाइल फोन में भी जरूर होगा कि आखिर पंकज ने इस घटना को अंजाम देने से पहले क्या तरीका कौन सा अपनाया, कैसे उन लोगों की हत्या की, ये सब चीजों पर जो है जो एफएसएल की टीम होगी वो नजर डालेगी और बारीकी से इस पर छानबीन करने के बाद घटना के तह तक पहुंचेगी कि आखिर पंकज ने क्यों जो है अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपनी माँ की हत्या की, आखिर नीतू का वाकई किसी व्यक्ति के साथ जो है चक्कर चल रहा था, अफेयर चल रहा था। हम इन चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुभेंदु इस खबर पर अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए शक के आधार पर जो है अपनी पत्नी समेत मां और दो बच्चों की जो है हत्या कर दी गई है। हालांकि प्रशासन जो है इस पर कार्रवाई कर रही है, सबूत जुटा रही है, सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है और बहुत जल्द जो है इस मामले का उद्भेदन किया जाएगा कि आखिर मामला क्यों था और इतनी बड़ी घटना को क्यों अंजाम दिया गया है।